हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपली अध्ययन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एनिमल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पशुओं की आवाजाही में इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजीज को। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई गई टेक्नोलॉजीज आपने इससे पहले कहीं भी नहीं देखी होंगी। सो दोस्तों, इन सभी जानकारी को अच्छे से पाने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, नंबर एक पर आपको दिखाते हैं कैटल ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज के वक्त में फार्मिंग बिजनेस सबसे ज्यादा जोरों पर चल रहे हैं, और उन बिजनेस में से भी कैटल फार्मिंग और भी अच्छी तरह से चल रहा है। कैटल फार्मिंग को और भी सही ढंग से अंजाम देने के लिए वक्त वक्त पर जानवरों और मवेशियों को एक फार्म से दूसरे फार्म तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और इसी जरूरत के लिए इस कैटल ट्रांसपोर्टेशन तकनीक को ईजाद किया गया है। दरअसल जब कभी भी इन मवेशियों को एक फार्म से दूसरे फार्म तक ले जाना होता है, तो इन हैवी लोड मल्टी सेक्शन ट्रक्स को फार्म के दरवाजों पर खोलकर लगा दिया जाता है, जिसके बाद दूसरी ओर से इन सभी गाय भैंसों को इन ट्रॉलीज के भीतर दाखिल करवाया जाता है। और जब ये सबके सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं, तो इनके लोडिंग की ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और अब जहाँ भी इन सभी कैटल्स को पहुँचाना होता है, वहाँ के लिए इन लोडेड ट्रक्स को रवाना कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैटल फार्मिंग के क्षेत्र में इन जानवरों की आवाजाही की जाती है। और दोस्तों, यकीनन ये टेक्नोलॉजी बेहद ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं नंबर टू पर मौजूद पिग ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्तों, पिग यानी कि सुगर भी पशुपालन की एक अहम कड़ी है, और इन पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन भी खासा जरूरी होता है। बट अब बात ये आती है कि आखिर इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरलिफ्ट यानी हवाई उड़ानों का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। दरअसल इस सवाल का जवाब बेहद ही सीधा सा है। असल में मेनली इन सुगरों के ट्रांसपोर्टेशन के पीछे की वजह पिग ब्रीडिंग और पोर्क प्रोडक्शन होता है, और ऐसे में अक्सर प्रवासों की ये दूरियां सैकड़ों मीलों तक की होती हैं। अब इस समस्या का इलाज तो ये सिर्फ एरोप्लेन से हो सकते हैं। जी हाँ, इन लिफ्टर्स और ट्रॉलीज के जरिए पिग को इन एरोप्लेन में डाला जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फुल एंड फाइनल सेफ्टी के साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लिहाजा दोस्तों ये बाकी ट्रांसपोर्टेशन की तकनीकों से काफी महंगा होता है, मगर उतना ही कारगर है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे गाय, भैंस या फिर कोई अन्य मवेशी क्यों ना हो, अगर उसे लंबी दूरी तक ट्रैवल कराना होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, तो एरोप्लेन तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नंबर तीन पर आपको नजारे दिलाते हैं एनिमल्स एयर हैंग के। दोस्तों, टेक्निकली वैसे तो ये कोई प्रॉपर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक नहीं है, बट स्टिल अब चूंकि इसे देखना बेहद ही मजेदार और रोचक है, इसीलिए हमारी लिस्ट में ये शामिल है। दोस्तों, असल में अक्सर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में फार्म और जूस से भटके जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए इस तकनीक को काम में लिया जाता है। इसके जरिए गुम हुए जानवरों को पहले ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठी रेस्क्यू टीम ट्रैक करती है, और फिर जैसे ही मौका मिलता है फौरन हेलीकॉप्टर से एक लिफ्टिंग रोप के जरिए जानवर को बांधकर अपने काबू में ले लिया जाता है, जिसके बाद फाइनली चाहे गाय हो या गैंडा, हाथी हो या घोड़ा, हर भूले बिसरे जानवर को लिफ्टिंग मैकेनिज्म अपनी पकड़ में लेकर वापसी फार्म मास्टर तक उनको पहुंचा देता है। दोस्तों, इमरजेंसी रेस्क्यू और शॉर्ट डिस्टेंस क्विक ट्रांसपोर्टेशन में ये तकनीक बेहद ही कारगर साबित हो रही है। आप भी हमें बताएं कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों, नंबर फोर पर आपको दिखाते हैं हैंड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स में से शायद कोई ऐसा होगा जिसने चिकन को ना खाया हो। लाजमी तौर पर ये फूड नॉन वेजिटेरियंस की पहली पसंद है, मगर खाने के शौक के साथ ही ये जानना बेहद ही अहम है कि आखिर ये मुर्गे प्रोसेसिंग से पहले किस तरह फार्म से मीट फैक्ट्रीज तक पहुँचते हैं। वेल, इस मायने में कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी या मशीन शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें दो अलग अलग टेक्निक्स की कॉम्बिनेशन हेल्प ली जाती है। असल में इस कड़ी में कॉक फार्म से इन मुर्गों को लाने के लिए भी एक नॉर्मल ट्रक की तरह ही ट्रक होता है, जिसमें एक इंजन और कैरियर लगा होता है,
मगर असली चमत्कार पीछे की ओर लगी उस लोरी में होता है। ढेर सारे फ्रेम्स और कैजेस को थामे ये पूरा चैम्बर्स इन हलाल होने जा रहे मुर्गों के आखिरी सफर का गवाह बनता है। जी हाँ, इन्हीं ट्रक्स में रोजाना लाखों मुर्गे मीट फैक्ट्रीज तक पहुंचते हैं। मगर दोस्तों, ट्रक में लोडिंग की इस प्रोसेस से पहले फार्म में उछल कूद करते इन मुर्गों को पकड़ना या अपनी गिरफ्त में लेना भी कोई इजी टास्क नहीं होता। बट थैंक्स टू दिस चिकन कैचिंग मशीन, जिसकी बदौलत वह आसानी पोल्ट्री फार्म से मुर्गों को पकड़कर कैजेस में कैद किया जा सकता है। कैसे, हाई आपको दिखाते हैं, वो भी लाइव। इन मुर्गों के कलेक्शन के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कुछ यूं होता है कि सबसे पहले लगातार एक ओर से मशीन के भीतर जा रहे ये मुर्गे इस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए दूसरी ओर इस ट्रे पर गिरते हैं, जो कि एक बड़ी बेइंग मशीन से जुड़े होते हैं, जिससे कि लाइव ये देखा जा सकता है कि कितने किलो वजन वाले मुर्गे इनलेट जा चुके हैं। और फाइनली कलेक्शन का ये प्रोसेस यहाँ पूरा होता है और ऐसे इन मुर्गों को इनमें भरकर इनके अंतिम स्थान तक पहुंचाया जाता है। एंड फाइनली दोस्तों, नंबर 5 पर आपको दिखाते हैं हाईटेक सीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दोस्तों, यूं तो आपने आज से पहले भी हमारे इस चैनल पर सीप ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी जानकारियां पाई, मगर इस बार आपके लिए इसी जेनरे में कुछ खास है हमारे पास। असल में हम आपको यहाँ भी इन सीप का एयरलिफ्ट होते दिखाने वाले हैं, मगर इस बार एक नए अंदाज और नए विजुअल्स के साथ। दरअसल सीप लिफ्टिंग की ये टेक्निक एक बेहद ही मैसिव और वर्सटाइल कार्य है, मगर इसको अंजाम देना इतना सरल भी नहीं है। मगर इसको अंजाम देने के लिए बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है। और दोस्तों, इस सब की शुरुआत होती है इस ट्रांसपोर्टेशन पैनल से, जहां नीचे ट्रक से लाए भेड़ों से लदे इन केजेस को इस विशालकाय प्लेन में चढ़ाने लोड करने की दरकार होती है, जिसके लिए कुछ खास यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कर बल्कि इन कन्वेयर रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये एक खास तरह की कन्वेयर लिफ्टर मशीन है, जो नीचे की ओर से किसी भी बॉक्स या केजेस को ऊपर प्लेन के मेन डेक पर पहुंचाने के लिए एक बेहद ही कारगर सॉल्यूशन होती है। अब इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर फटाफट अंदाज में भेड़ों से लदे इन सभी केजेस को प्लेन के डेक की ओर दिशा दे दी जाती है, जिससे कि आसानी ये सभी भेड़ें एरोप्लेन के भीतर पहुंच जाती हैं और कुछ यूं बिना किसी खास मेहनत और मशक्कत के इस कार्य को भी अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, टिल नाउ हमने एनिमल ट्रांसपोर्टेशन पर दो और वीडियो को भी अपलोड कर दिया है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन्हें वॉच कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।